अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। तो आज है 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से हैप्पी डे। तो आज यहाँ पे बहुत ज्यादा सब सॉन्ग ये वो सब बहुत ज्यादा लगे हुए, तो कॉपीराइट आएगा। इस चक्कर में हम इंतजार कर रहे हैं कब बंद हो तो हम चालू करें, कब बंद हो तो हम चालू करें, क्योंकि यहाँ पे ना दो दो जगह पे चालू है और फुल आवाज में। तो हाँ, तो इसके लिए हमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम क्या करें, कैसे करें। मेरे दानी शरी मैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ कुछ है, मतलब आज का पूरे दिन का यहाँ पे है ना, सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्राम रखते हैं। हाँ हाँ, बहुत दिन का। लेकिन हमें तो जाना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल था अजय का डे, आज का है 26 जनवरी का डे, और कल भी एक डे है स्पेशल। 3 दिन है और आज हम जा रहे शॉपिंग के, लेकिन दो शॉपिंग है, जो एक है वो आपको कल पता चलेगी कि वो क्यों थी, और दूसरी जो शॉपिंग है वो आपको अभी नहीं पता चलेगी, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए कुछ कुछ शॉपिंग हम ऑनलाइन भी करने वाले हैं, और कुछ कुछ आज हमें जैसा मतलब टाइम मिल रहा है ना, आज दानिश है तो टाइम मिला है, तो हम वो शॉपिंग करने वाले हैं। इसके लिए आज दो दो शॉपिंग है। तो कल का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है। और अभी दानिश को कोई कहाँ जा रहे हो ना, नीचे भी जाना है, और दानिश को कोई मिलने आ रहा है, जिसकी वजह से दानिश नीचे जा रहे, तो ऐसा सब है। और आज मैं इतना बिजी हूँ दानु, बताओ आज मैं कितना बिजी हूँ? बहुत बिजी, बहुत इतना बिजी हूँ ना आज, बहुत बिजी। खाना खाने की फुर्सत नहीं, खाना इतना बिजी हूँ ना कि आज मेरे इतने काम एक साथ आ पड़े हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा जो कल का जो मैंने वीडियो शूट किया है वो भी मुझे लगता है कि आज मेरा लेट होने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी ना अभी 4-5 दिन से थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चली है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है अपलोड के लिए, तो इसके लिए ऐसा सब चला है। और बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि सब जगह से सॉन्ग वगैरह कुछ स्पेशल लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। आज नाश्ते में मस्त सुबह सुबह है, अंडे की भुर्जी रोटी। ये रहा उस दिन दानिश ने लाया था वो खजूर, अभी मैं देखो क्या करती हूँ। इसके अंदर मैंने पानी लिया है और पानी में 1 चम्मच नमक डाला है, अभी मैं खजूर डालूंगी इसके अंदर। कोई भी चीज़, चाहे वो ड्राई फ्रूट क्यों ना रहे, कोई भी चीज़ अच्छे से धोए बगैर नहीं खाने की। अभी मैं इसको 2-3 मिनट ऐसे ही साफ करके लूँगी, इसका भी पानी देखो कलर चेंज हो जाएगा। कि हर चीज़ को किसी का हाथ लगा हुआ रहता है, फिर कहा गीली रहेगी क्या रहेगा, तो अपना काम है कि हर चीज़ सफाई से धोके खाना। और नमक सबसे बेस्ट चीज़ है कुछ भी धोने के लिए। हाँ पापा। और अभी मैं इसके अंदर उसको डाल के सुखा दूंगी धूप के अंदर। अच्छा खजूर है एकदम। देखो पानी का कलर देखो, और पानी देखो, गंदगी हर चीज में रहती है। अभी इसको मैं सुखा दूंगी, प्लेट में नीचे ऐसे ही रखूंगी, उसका पानी निकलेगा ना इसलिए। ये कोई लाल मच्छी लाई थी दानिश ने, ये इसका नाम मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन ये इतनी टेस्टी है ना, इतनी टेस्टी कि इसके आगे बागड़ा फैले, इतनी टेस्टी है। तो ये मैं मच्छी फ्राई बना रही हूँ, लगभग हो ही गया है, तो बच्चे भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे। ये रहा आज का खाना हमारा, और ये रहा थोड़ा सा मैंने सालन भी बनाया है, सालन भी इसका बहुत अच्छा लगता है, खास करके मुझे। Thank you.
डच कौन सा है? ये डच है, ये भी डच है। यहाँ पे भी सब जगह म्यूजिक गाने सब चले हुए थे, जिसकी वजह से फिर मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ हम फिर से आए हैं मोंजिनीस केक लेने के लिए। एक केक किसके लिए है क्या, वो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा। यहाँ हमने हालांकि खूब सारी बातें की है, लेकिन वो सॉन्ग्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, दो तीन जगह से एक साथ थी, इसके लिए फिर मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। इसके लिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर यहाँ से हमने एक केक ले लिया है, अभी इंशाल्लाह कल आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं देख रही थी बच्चों के लिए कुछ केक वगैरह ले सकती हूँ क्या, वो कुछ खा सकते हैं क्या, तो फिर मैंने पुचुक के लिए एक ले लिया है, क्योंकि छोटी तो खाएगी नहीं और लल्ला भी नहीं खाएगा, लेकिन पुचुक खाएगा, इसके लिए ले लिया एक। अच्छा, फ्रेश उतना नहीं लग रहा है, कड़क लग रहा है ना, कड़क लग रहा है, कड़क। दानिश नारियल पानी पी रहा है। पियो ना तुम, मेरा आएगा आएगा आएगा, मेरा तुम वो पी लो, मेरा दूसरा लूंगी। आ तुम मत लो। और एक दानिश ने रेड वेलवेट का पीस खाया, लेकिन वो फ्रेश नहीं था तो मज़ा नहीं आया। ये रखो कहाँ है, यहाँ रखो क्या, ये रही है ना मनी। आगे बहुत प्रोग्राम है, जिसकी वजह से पार्किंग पीछे ही सब दिया गया है, तो मेरी बिल्लियाँ बेचारी सब नहीं ऐसी डिस्टर्ब हो गया, इनको दो चाहिए है। और ये बिल्लियाँ वो नहीं है, ये नीचे वाली बिल्लियाँ अलग से पैदा हुए है। मालूम है कि नहीं ये बात, और उनके लिए भी हम बोनलेस चिकन लाते हैं। और बाबा उनके भी बहुत लाड़ चले हैं, वो भी दाने के खौफ में आते हैं, अगर इधर एक दिन अगर खड़ा हो गया खाने को नहीं आई देने को, तो रात को आते हैं, मैं आया करते हैं ख्वाब में उसके, फिर उसके लिए आना पड़ता है। उनके भी उत्तेज लाड़े, हाँ। वो भी वैसे गोद में आते हैं, तो अभी हम उधर भी वैसे ही है, एक भोखा है और दो बिल्लियाँ है। तो आज पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम हुआ, सब पीछे आई है गाड़ियाँ, जिसकी वजह से मेरी सब बिल्लियाँ नहीं आई है, अभी जितनी है उनको खिला के जाऊंगी, देखते बाकी अल्लाह वाले क्या कर सकती हूँ मैं। नहीं वो उनको है आज उधर डब्बा भरने वाला है कचरे में। कचरे में क्या क्या उनको, इससे तो अच्छा थे ना, नॉनवेज लगता है खा लेंगे मजबूरी में, चावल फॉल सब। उनको भी इतनी बेकार आदत लगी ना कि उनको चिकन पसंद, चिकन चाहिए, उनको चिकन मांडेला न को वेज न को कुछ भी नहीं खाते, चिकन ही चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा ना मुझे एक भी अगर कम होना तो मुझे बुरा लगता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो इतना खुद से, वो लोग भी इतना प्यार करते हैं ना कि मतलब क्या बताओ, सच में कभी ना ऐसे जानवर को करके देखो, वो कितना दीवाना होता है, वो कितना प्यार करता है, मुझे तो बहुत रोना आता है। मैं उनको जाती हूँ ना छोड़ के, वो मुझे लिफ्ट तक छोड़ने के लिए आते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि काश मैं उनको भी घर पर लेके जाऊँ। मेरी बहुत ख्वाहिश होती है कि उनको लेकर जाओ, लेकिन अभी वो कैसा आज़ादी में घूमे बड़े, तो उस हिसाब से वो भी घर में नहीं रह सकते। वो ये ले ले, ये ले ले, ये ले ना, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। और मुझे इनको बोनलेस देने का मतलब ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा दांत नहीं रहते ना, तो उनको भी मैं बोनलेस ही दूँ, हड्डी वाला ना दूँ, तो बुरा लगता है मुझे। तो इसके लिए मैं हमारे हक में मतलब अल्लाह ने जो भी दिया है उस हिसाब से हम हमारे हिसाब से उनको डेली का खिलाते, एक दिन भी मैं खड़ा नहीं करती हूँ, तबीयत ख़राब हो या जो भी हो उनको एक दिन भी खड़ा नहीं करते हम लोग, हमारे हिसाब से उनको खिलाती रहते हैं, बाकी तो अल्लाह हवाले, क्योंकि अल्लाह ने दिया तब तक करेंगे ही। उनके नसीब का भी देखा जाए तो हमें अल्लाह ने दिया है कि उनका नसीब है कि हम उनको खिला पाए, सही ना। बिल्कुल बिल्कुल,
अभी मेरे बच्चे ऊपर भी है जो इंतजार कर रही होंगे, उनको छोड़ के गई थी, अभी ऊपर मिलेंगे इंशाल्लाह। एको भी बच्चों लोग के लिए क्या लाई, ये लाई हूँ, अभी देखते हैं ये लोग खाएंगे क्या। ए ले, ये कौन खाएगा छोनी, कौन खाएगा छोनी, ले जल्दी खा खा लल्ला। किसी को भी नहीं चाहिए लेकिन ये पूछू, ये अकेला ये खाएगा, बाकी दो नहीं खाएंगे, सब भाग गए। छोनी खाना, ए देखा सब भाग गए। अभी टाइम क्या हुआ है पता है, 12:30 है, और ये देखो ये हमारे सामने की बिल्डिंग, ये हमारे पीछे की बिल्डिंग, और ये हमारी बिल्डिंग तो सब हो गया लग गए, लेकिन ये सामने की बिल्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। देखो ना किस तरह से ज़्यादातर लोग सब सो गए, अभी से कुत्तों की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।